हेलो फ्रेंड, राधे राधे। आज हम आपके साथ शेयर करने आ रहे हैं बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लाजवाब, बहुत ही नए तरीके की ये हलवा हमने बनाया है। आप एक बार आप हमारे तरीके से बना के देखें, बस बच्चे और बड़े इसे मांग मांग कर खाएंगे। और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं, वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहेगी और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप ये देख रहे हैं एकदम दानेदार ये हलवा बना है, बहुत टेस्टी, इसे एक बार ट्राई ज़रूर करें। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखिए, हमने ये चावल है, चावल की खुद्दी है, इसको भी हमने खुद्दी को और बारीक मिक्सर में पीस लिया है क्योंकि ये थोड़ा दरदरा ही रहना चाहिए। ये चावल की खुद्दी है, उसको हमने एकदम बारीक करके कर लिया है। और ये चीनी ले ली है, कढ़ाई हमने गैस चूल्हे पर रख दी है, उसमें हमने घी डाल दिया है, 2 बड़े चम्मच घी डाल दिया है। और इसमें हमने ये जो चावल का खुद्दी था उसको हमने बारीक करके पीसा हुआ है, ज़्यादा बारीक नहीं है, दरदरा है, उसे हमने कढ़ाई में डाल दिया है। आपको देखने में लग रहा होगा ये चावल की जो बारीक बारीक जो खुद्दी होती है, हमारे यहाँ इसे खुद्दी बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं इसे कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा। और इसे हमें भून लेना है, मीडियम फ्लेम पे भूनना है और इसे हमें अच्छे तरीके से भूनना है क्योंकि इसका कच्चापन निकलना है, निकाल देना है। और इसे हमें कलर ब्राउन कलर आ जाए तब तक इसे हमें भूनना है। और ये देखिए, इसका कलर भी चेंज हो गया है, थोड़ा सा इसे हम और भूनेंगे धीरे धीरे करके, देखिए कलर चेंज हो गया है। और इसे हमें थोड़ा सा टाइम लगता है भूनने में। और इसमें हमने ये चीनी डाल दिया है, अपने स्वाद के अनुसार चीनी डालें। और इसमें एक आधी कटोरी ये चावल की खुद्दी हो तो आप इसमें 3 कटोरी पानी डालें क्योंकि इसमें पानी थोड़ा ज़्यादा लगता है। और इसे हमें मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे और इसे हमें बीच चलाते रहिएगा, बीच बीच में छोड़िएगा नहीं। और ये बहुत ही दानेदार, बहुत ही मज़ेदार ये हलवा तैयार हो गया। आपने ये हलवा कभी नहीं खाया होगा। और देखिए, पानी सूखते सूखते इस तरह से हो गया है और ये सूखते सूखते एकदम हलवा के डो में तैयार हो जाएगा। और इसे हमें चलाते रहना है और पानी में अच्छे तरीके से पका लेना है इसे। और इसे मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे तो चावल जो है खुद्दी है उसके वो अच्छे तरीके से पक जाएगा। और ये देखिए सूख गया है, बीच में हमने 1 चम्मच घी और डाल दिया है इसमें। और इसे हमें कंटिन्यू चलाते रहिएगा, इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। और ये देखिए, बीच बीच में चलाते रहने पर देखिए सारा पानी भी सूख गया है और घी भी, देखिए घी भी कढ़ाई में की कढ़ाई को छोड़ दिया है जो हलवा हमने बनाया है चावल की खुद्दी से। और ये देखिए सूखने लगा है, एकदम ड्राई हो जाएगा तब इसे हम निकालेंगे। कढ़ाई देखिए छोड़ने लगा है, इसे एकदम बीच बीच में देखिए एकदम चलाते रहिएगा। और ये देखिए एकदम कढ़ाई छोड़ दी है, अब इसे हम प्लेट में निकालेंगे और इसे आप गर्मा गर्म सर्व करें। बहुत ही मज़ेदार बनी थी। और ये देखिए हमारा हलवा तैयार हो गया है, अब इसे हम कढ़ाई देखो बिल्कुल छोड़ दी है, अब इसे हम एक बाउल में निकालेंगे। और ये देखिए हलवा हमने एक कांच की बाउल ले ली है बाउल, और उसमें हमने देखिए ये हलवा डाला है। बहुत ही दानेदार, बहुत ही मज़ेदार बनी है। आपको मुंह में पानी आ रहा होगा ये हलवा देख के। और इसमें हमने हलवा को डाल दिया है कटोरी में, बाउल्स में। और इसमें हमने कुछ ड्राई फ्रूट, बादाम, काजू, पिस्ता, जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट हो आप उसे डाल सकते हैं, इसका टेस्ट और बढ़ जाता है ड्राई फ्रूट डालने से। और ये देखिए हमारा चावल के खुद्दी का हलवा तैयार हो गया है, जो आपने पहले कभी भी नहीं खाया होगा। जिसने भी खाया है वो हमें कमेंट में बताएं कि किस किस ने चावल की खुद्दी का हलवा खाया है। और इसे अपने फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें और लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा ये आपको हलवा मेरा कैसा लगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद। बाय बाय।